अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह आज हम हमारे इस्लामी क्रैश कोर्स का और लर्न इस्लाम जिसका नाम रखा हुआ है उसका 32वां सबक हम स्टार्ट करेंगे। 32 लेसन, लेसन नंबर 32। और इंशाल्लाह हम लोग अभी हमारी आखिरी इख्तिताम पे पहुंच गए दर्स इस्लामी के। और ये हो सकता है ये दर्स 32 नंबर आखिरी हो या 33 नंबर का आज उसका अगला आखिरी हो। अभी हम पहुंच गए। और जैसा कि मैं आपको बताते रहता हूँ कि मेरी मेमोरी थोड़ी कमज़ोर है इसलिए मैं कुछ कुछ भूलते रहता हूँ, हालांकि लिख के लाते हुए भूलते रहता हूँ, तो फिर भी मैं जो बाद में याद आ जाता है उसकी तलाफी अगले लेसन में कर देते रहता हूँ। तो उसके लिए फिर मैं कुछ बातें लिख के लाए हूँ। इंशाल्लाह ये बातें करके और हम लोग ये दर्स इस्लामी के कोर्स को जो से है वो ख़त्म कर देंगे। तकरीबन मेरा अंदाज़ा 40 लेसन बनाने का था, तकरीबन 40 तक पहुंच गए, 38 37 तक हो गए, बाकी के वो पॉइंट मिला के कुछ लेसन में 1 पॉइंट ए बी सी से हुए तो वो मिला के तकरीबन हो गए। और मैं चाहता था कि और तफसील बयान करूं मगर वक्त की कमी की वजह से मैं नहीं बयान कर सका। फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इसका लोगों को फ़ायदा हो। और ख़ास बात ये कि इसके बाद इस चैनल के ऊपर अगर मैं कोई वीडियो नहीं डाला समझो अगला, तो ये नहीं समझना कि मैंने इस चैनल को छोड़ दिया या अबैंडन कर दिया, इस्लामी थॉट को और इस्लामी एजुकेशन को अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। मैं वक्तन ज़रूरतन ये डालते रहता हूँ, वो बिला ज़रूरत नहीं डालते रहता चैनल के ऊपर। मेरा कोई मंशा पैसे कमाना नहीं था इसके हिसाब से, खाली मुसलमानों को, मुसलमान नौजवानों को इस्लामी एजुकेशन के बारे में तसलसुल के साथ कंटिन्यूटी के साथ बताना एक मकसद था, इसके लिए मैंने बनाया। इसको मेरे फैमिली के लोग सब लोग देख सकते हैं, इसकी बाद में सीढ़ियाँ और पेन ड्राइव बना के तकसीम किए जाएंगे इंशाल्लाह। यूट्यूब पर तो फ्री रहेगा इंशाल्लाह जब तक रहेगा। तो मैं एक जैसे बात बता रहा था 10 नंबर 31 में हम वहाँ तक पहुँच गए थे। हमने जब अपना दर्स शुरू किया था, दर्स इस्लामी, ये जो इस्लामिक क्रैश कोर्स और लर्न इस्लाम का शुरू किया था पहला, तो वहाँ से हमने जब शुरू किया था तो ये कायनात की इब्तिदा से शुरू किया था कि कहाँ से शुरू करें, कायनात की इब्तिदा से, कायनात कैसी बनी हुई है, कितनी बड़ी है, क्या है, मतलब इब्तिदा से शुरू किया था। और हम आखिरी दर्स में 10 नंबर 31 के वक्त में हम उसके अख्तितम पे पहुंच गए यानी क़यामत। अब उसके बाद उस 10 नंबर 31 में मैंने क़यामत का जिक्र थोड़ा बहुत किया, उसके थोड़ी सी आसार बताए, अहादीस थोड़ी सी बताई कि तो उसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी ज़्यादा अहादीस है कि उन सबका अहाता करना मुश्किल है और सबका रेफरेंस देना। मैं इस दर्स से ये चाह रहा था कि आप लोगों में इस्लाम का एक जज्बा पैदा हो, इस्लामी तालीम हासिल करने का। आपके अंदर जब जज्बा पैदा हो जाएगा खुद ब खुद तो आप खुद ही हासिल करेंगे। पूरा ज़रूरी नहीं है कि पूरी इस्लामी तालीमत इसी दर्स में सबको दी जाए। आपके अंदर एक बार जज्बा पैदा हो गया, आपको इस्लामी तालीम हासिल करने की ख्वाहिश पैदा होगी तो फिर आप हासिल कर सकते हैं। इंटरनेट के ऊपर मौजूद है, हर किस्म की अच्छी से अच्छी चीज़ मौजूद है, किताबें मौजूद हैं और हर चीज़ मौजूद है। तो क़यामत का जो जिक्र करना था, तो अब क़यामत क्या है? अब देखो हमारा जो दीन है इस्लाम है वो लॉजिकल मजहब है, लॉजिकल दीन है। और जैसे ही मैंने बताया लॉजिकल का मतलब मंतकी और साइंसी दलायल के ऊपर दीन हमारा, बाकी पूरे दुनिया के कोई भी मजहब जो है साइंस की बुनियाद पर कायम नहीं है, लॉजिक के सामने कायम नहीं है, इस्लाम लॉजिक पे है। तो जब जैसे ही बताया मैंने कि हमारा जो दीन है इस लॉजिक पे है, तो हमने शुरू में जो चैप्टरों में जो लॉजिक के हिसाब से अल्लाह को फाइंड किया था, अल्लाह की खोज हमने लॉजिक से की थी, तो वो लॉजिक ये भी तकाजा है लॉजिक का कि जब अल्लाह ने कायनात बनाई या पूरे इंसान बनाए, मखलूक बनाई, जो भी बनाया वो उन सब का जिम्मेदार अल्लाह है। अब जब जिम्मेदार है तो उनकी उसकी देख रेख, सही देखभाल, उसकी खैर खाई का भी जिम्मेदार है। तो अल्लाह ताला ने इंसानों की खैर खाई के लिए और शैतान से बचाने के लिए एक अपना एक तरीका बताया, एक मैनुअल बताया। जैसा कि शैतान ने चैलेंज किया था कि मैं जो है आदम को बहकाऊंगा, उसकी औलाद को बहका के दोजख में डालूंगा, इसलिए अल्लाह ताला ने भी इंसान की हिदायत के लिए अपना एक रास्ता बता दिया कि भाई मेरे रास्ते पे आप चलेंगे तो सही जगह पहुंचेंगे और शैतान के रास्ते पे चलेंगे तो गलत जगह पहुंचेंगे। ये भी और उसके अंदर अल्लाह ताला की हर चीज़ में मल्टी टास्किंग है, यानी एक काम में कई कई फायदे, एक तीर से कई कई शिकार जो होते हैं अल्लाह की कुदरत के हर काम में। वो आपको पता, ये दर्स को हिसाब से पता चल गया होगा कि हर अच्छे और बुरे काम में मल्टी टास्किंग है अल्लाह ताला की। तो उसके अंदर भी जो हिदायत दी अल्लाह ताला ने और शैतान जो गुमराह कमर करता रहता है उसके अंदर भी हमारे लिए कई कई फायदे हैं, कई कई रास्ते हैं और इम्तिहानात हैं। तो उसके अंदर इम्तिहान में अल्लाह ने इनाम भी रखा है कि जो सही रास्ते पे चलेंगे उनका अल्लाह इनाम भी देगा, वो इनाम है जन्नत का। और दुनिया के अंदर जो अल्लाह ताला ने अपना निज़ाम, अपना सिस्टम दिया है हिदायत का, उसके ऊपर चलने के वो तरीके भी बताए कि अपने आपस में लोगों के साथ इंटरेक्शन, लोगों से ताल्लुकात, रिश्तेदारों के साथ, अपने ख़ानदान वालों के साथ, सोसाइटी और माशरे के साथ
साथ कैसे रहना चाहिए, तो उसके अंदर भी बताया, कायदे कानून बताए हैं कि जो लोग जो है अपने सोसाइटी में माशरे में एक दूसरे के साथ अगर अच्छा काम करेंगे तो अल्लाह ताला उनको अच्छा बदला देगा और वो जो है वो जन्नत है और वहाँ पे फैसला होगा, और वो फैसले का एक दिन अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है, उसको क़यामत का बोलते हैं, रोज़े जज़ा और योमिल हिसाब जिसको बोलते हैं, वो एक आखिरी दिन अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया। ये लॉजिक का तकाजा है कि जब अल्लाह ताला हिसाब किताब कर सकता है, वो सब कुछ दे सकता है और वो उसने गाइडेंस का भी रास्ता दिया, अच्छाई और बुराई का भी रास्ता बता दिया, तो उसके बाद उसको जो है ना बाद में हिसाब का दिन भी होना चाहिए। लोगों दुनिया के अंदर जो लोग एक दूसरे पर जुल्म कर रहे हैं और ज्यादती कर रहे हैं, दूसरे की दुनिया बर्बाद कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उसका भी एक हिसाब होना चाहिए। तो वो हिसाब के दिन अल्लाह ताला ने रखा है, उसको क़यामत बोलते हैं। अब वो क़यामत के आने के पहले की जो निशानियां मैंने बताई, आसार क़यामत जिसको बोलते हैं, वो भी आपको किताबों में और इंटरनेट पर बहुत मिल जाएंगे। अल्लाह ताला का जो दीन है, इस्लाम है, उसकी मिसाल मैं ऐसी देना चाह रहा था कि जैसा कोई भी मशीन होती है, कोई भी मशीन है, जो भी चीज़ बनाते, जैसा ये है मोबाइल है, वो मशीन के जो है साथ एक मैनुअल होती है, यूज़र मैनुअल, और उसके अंदर उसका इस्तेमाल का तरीका लिखा रहता है। हर मशीन में आप घर की कोई भी चीज़ ले लो, मिक्सर ग्राइंडर रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन माइक्रोवेव ओवन ले लो, और जो भी आपके घर में है, कारें हैं, मोबाइल है और कंप्यूटर है, हर एक चीज़ मशीन के साथ, एक कैमरा है, हर एक के मशीन के साथ जो है आपको एक जो है यूज़र मैनुअल आता, और यूज़र मैनुअल के अंदर उसके बारे में लिखा हो रहा था कि कैसा उसको इस्तेमाल करने से फ़ायदा होता, कैसा कैसा इस्तेमाल करने से आप उसको अच्छी तरीके से चला सकते हैं, और कैसा करेंगे तो आप वो मशीन को बिगाड़ देंगे या मशीन आपको नुकसान पहुंचा देंगे। जैसा बड़ी बड़ी मशीनरी है जो फैक्ट्रियों में और कारखाने में होती है, या अर्थ मूविंग है और जो बड़ी बड़ी मशीनरी है, वो उनका अगर गलत आप इस्तेमाल करेंगे तो एक्सीडेंट भी हो जाता, वो मशीन में से आप गिर जाते, मशीन आपको गिरा मार देंगी, कारखानों के अंदर मशीनों के अंदर हाथ चले जाएंगे और आदमी मर जाएगा, ये भी वो उन मशीनों का गलत इस्तेमाल है। तो वो यूजर मैनुअल जो है हर चीज के साथ होता है, वो यूजर मैनुअल उसकी तरफ से होता है जिसने वो मशीन बनाया, वो सब जानता है मशीन के बारे में बारीकियां, इसलिए वो यूजर मैनुअल वो बनाने वाला लिख सकता है, दूसरे नहीं लिख सकते। तो जो यूजर मैनुअल है उसके ऊपर अगर हम पढ़ के अमल करेंगे तो वो मशीन से फायदा उठा सकते, अगर नहीं पढ़ेंगे और उसके ऊपर पढ़ेंगे मगर उस पर अमल नहीं करेंगे तो हम खुद भी नुकसान उठाएंगे, मशीन को भी नुकसान पहुंचाएंगे और अपनी सोसाइटी को भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो वैसा जो है हर चीज़ के साथ जो मशीन होती है, वैसा अल्लाह ताला ने इस दुनिया के साथ, इस जो दुनिया बनाई उसके साथ इंसानों को एक यूज़र मैनुअल दिया, और वो है कुरान शरीफ। कुरान शरीफ जो है ये मुसलमानों के लिए और पूरे पूरे इंसानों के लिए एक यूज़र मैनुअल है दुनिया का, उसमें पढ़ के उसके अंदर जो हिदायत उस पर इंस्ट्रक्शन है पढ़ के अमल करेंगे तो फ़ायदा होगा, सबका फ़ायदा होगा, खुद का भी फायदा होगा, सबका भी फायदा होगा। अगर उसमें उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे, उसके हिदायत पर अमल नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो पूरी सोसाइटी का नुकसान होगा। आज हम देखते हैं कि पूरे दुनिया में, यूरोप में, हर जगह अथेइज्म वाले इल्हाद फहाशी जो फैली हुई है, असल में वो शैतान की गाइडेंस पे चल रहे, अल्लाह की गाइडेंस पे नहीं चल रहे, उसकी हिदायत पे नहीं चल रहे, तो खुद भी नुकसान उठा रहे, दूसरे भी नुकसान उठा रहे। अच्छा, ये भी एक बात मैं बताना शायद भूल गया पिछले चैप्टर्स में। दूसरी बात ये है कि जो कुरान उसका क़यामत का मैं जिक्र कर रहा था, आसार क़यामत का, तो उसमें तो बहुत सारे आसार हैं। आपके अंदर एक तलब पैदा हो गई, ये इस इस्लामी क्रैश कोर्स के हिसाब से एक तलब पैदा हो गई, तो बहुत अच्छी बात है, आप खुद ही हासिल करें और आपको खुद पता चल जाएगा कि कितने ज़्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए इस्लाम के तालुक से, और उसके आपको बहुत ज़्यादा पता चलेगा, और सब ऑथेंटिक हदीसों में है और वो सब साबित हो रही है कि हुजूर की 99% बातें अब तक सब सही साबित हुई। और भी बहुत सारी बात है कि क़यामत के आसार के तालुक से, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो, उनके बारे में इन लोगों को शुबा है, यहूदियों को और ईसाइयों को, कि उनको हम सिलेब पे कत्ल कर दिया, मार दिया। ऐसा नहीं है, कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं कत्ल किया, न मारा नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको उठा लिया, उनकी जगह पे दूसरे शख्स को जो मुजरिम था उसको उनके जैसी शक्ल बना दी गई, और लोगों को शुबा हो गया कि ये ईसा अलैहिस्सलाम है जिसको सिलैब हो गई, मगर ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है आसमान पे और वो क़यामत से पहले आएंगे। ये भी आसार क़यामत में है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले दोबारा ज़मीन पर आएंगे, और आने के बाद जो है इस्लाम और मुसलमानों की मदद करेंगे, इस्लाम और मुसलमानों को उरूज दिलाएंगे और दज्जाल का खात्मा करेंगे। दज्जाल के बारे में जो मैंने बता दिया कि वो एक ऐसी चीज़ है जो क़यामत से पहले आएंगी, जो लोगों को गुमराह करेंगी, दज्जाल लोगों को गुमराह करने वाली चीज़ है, और वो लोगों को गुमराह करेगा। जो यहूदी है जो अपना मसीहा का इंतजार कर रहे हैं कि मेसाया आएगा, मेसाया उनका, जो वो असल में दज्जाल ही होगा, जो मेसाया उनका होगा वो दज्जाल होगा, वो लोगों को गुमराह करेगा, यहूदियों को गुमराह करेगा, पूरी दुनिया के लोगों को गुमराह करेगा, और उसकी मिसाल मैंने बता दी वो है। और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे दोबारा दुनिया में, उसके सिम्बॉलिक भी मतलब है और हकीकत में भी है, अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकता है। सूरज के बारे में जैसा मैंने बता दिया कि सूरज मगरब से तुलू होगा, क़यामत से पहले सूरज जो है वेस्ट से निकलेगा,
तो इसके भी एक हकीकत में भी ऐसा होगा कि जमीन की रोटेशन चेंज हो जाएंगी और सूरज मगरब से निकलेगा। और दूसरा इसके सिंबॉलिक भी है कि हम पिछले 300 साल से देख रहे हैं कि मगरब से जो है इल्म और टेक्नोलॉजी और साइंस की रोशनी निकली, वहां से सूरज निकला। हाँ, जो टेक्नोलॉजी मालूमात इल्म और तरक्की का जो सूरज निकला हुआ है वो मगरब से निकला हुआ है, वेस्ट से निकला है। वहां से साइंस की तरक्की हुई, डेवलपमेंट हुई और पूरी दुनिया में खुशहाली और तरक्की फैली। वो कहाँ से फैली? वेस्ट से फैली। तो ये भी एक असल में सिंबॉलिक सूरज है, सिंबॉलिक सूरज है जो वेस्ट से निकला। ये भी क्यामत की निशानी है, क्यामत के पहले हम लोग जमाने में जिंदा है, एक है। और असल में हकीकी सूरज भी जो है मगरब से निकलेगा। और जैसा मैंने बताया, दाबत अल अर्ज भी निकलेगा। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि दाबत अल अर्ज भी जमीन से निकलेगा और लोगों से बात करेगा। यानी दाबत अल अर्ज माने एक जानवर होगा जो जमीन में से निकलेगा और लोगों से बातें करेगा। तो इसके बारे में भी है, हकीकत में भी निकलेगा, अल्लाह ताला ने कहा। और एक सिम्बॉलिकल भी ये है कि हम आज देख रहे कि चैट बोर्ड जो है और चैट जीपीटी जो है और कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंप्यूटर से जो बातें हो रही है वो जो है वो भी असल में हमसे बातें कर रहा है। दावत अलर्ट्स के बारे में है कि वो लोगों से निकल के बातें करेगा और बोलेगा कि तुम अल्लाह की हिदायत को नहीं मानते थे, अल्लाह की निशानियां देख के झुटलाते थे, ऐसा वो बोलेगा दावत अलर्ट्स। ऐसा आज हमारा चैट जीपीटी जो है और चैट बोर्ड जो है और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कंप्यूटर का, उसको भी अगर इस किस्म का सवाल पूछे तो वो भी बोलेगा कि अल्लाह को मानो, अल्लाह को जानो, अल्लाह को देखो, अल्लाह की निशानियों को पहचानो, वो भी बोलेगा। तो वो असल में ये भी हो सकता है और सही भी निकलेगा। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब दोबारा जमीन पे आएंगे तो वो जो है उनके बारे में हदीसों में है कि वो जो है ना क्रॉस को तोड़ देंगे, क्रॉस को तोड़ देंगे, सूअर को मार देंगे। तो ये भी एक सिंबॉलिकली भी हो सकता है, हकीकत में भी करेंगे। जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो सारे लोग उनको मान लेंगे और क्रिश्चियनिटी खत्म हो जाएंगी, क्रॉस जो है जो उसको मानते स्लेब क्रॉस वो तोड़ जाएगा, फेंक देंगे। यानी उनका वो जो झूठी बात है जो उन पर खिलाफ चढ़ाए वो पॉलिन क्रिश्चियनिटी है, वो खत्म हो जाएगी। क्रॉस तोड़ने का मतलब है पॉलिन क्रिश्चियनिटी का खत्म हो जाना। और सुअर का खत्म है ना, सुअर जो खाते हो लोग वो भी खाते हो। आज हम देख रहे हैं यूरोप के अंदर इलाहाद अथेइज्म फैल गया और वहां पे जो है बेमजहबी हो गई और उन्होंने क्रिश्चियनिटी को तोड़ दिया। वहां के यूरोप के लोगों ने क्रिश्चियनिटी की धज्जियां उड़ा दी, उसके अंदर हर किस्म की बुराई निकाली। और आज यूरोप के लोग जो है क्रिश्चियनिटी को छोड़ चुके हैं, वहां के जो है 90% लोग अथेइस्ट हो गए। यूरोप के पूरे जो दुनिया के जो लोग हैं वो अथेइस्ट बन गए, 90% क्रिश्चियनिटी खत्म हो गई। ये भी सिम्बॉलिकली है कि क्रॉस टूट गया है, आखिरी जमाना आ गया, क्रॉस टूट गया और जो है ईसा अलैहि सलाम की आमद का ज़माना है। ईसा अलैहि सलाम आएंगे तो हमारी ज़रूर मदद करेंगे। अच्छा, अभी हम जो है अब अपने आगे की बात पे बढ़ जाते हैं। अच्छा, आपको एक बात महसूस हुई होंगी ये दर्स में, पिछले 30-31 दर्सों में, कि ये जो है मेल सेंटर्ड है, ये जो है तो मर्दों के ऊपर ज़्यादा इसका मैंने जोर दिया है, औरतों के बारे में इसमें ज़्यादा बहस नहीं की। तो असल में बात ये असल में ये नहीं है, मैं असल में औरतों के ताल्लुक से ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा था कि मैं ये चैप्टर में खाली इस्लाम के ताल्लुक से बताना चाह रहा था। औरतों के ताल्लुक से तो बातें और मालूम तो इस्लामी किताबों में बहुत ज़्यादा मौजूद है, इंटरनेट के ऊपर है, इस्लाम के अंदर मौजूद है। अच्छे अच्छे उलमा इस्लाम के उन्होंने औरतों के ताल्लुक से लिखी है, उनकी तकरीरें बयाना सुन सकते। जाकिर नाइक ने भी औरतों के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे तकरीरें की है, लंबी लंबी, वो भी सुनना चाहिए। और डॉक्टर इसरार अहमद की भी औरतों के ताल्लुक से, हकूक़ के ताल्लुक से बहुत बेहतरीन तकरीरें, वो भी सुनना चाहिए। और मेरा तो मंशा सिर्फ ये था कि लोगों में, नौजवान में, औरतें हों या मर्द हो, लड़कियां हों या लड़के हों, उनमें इस्लाम का जज्बा पैदा करना, बढ़ा देना। ये मेल सेंटर नहीं था, असल में मेल सेंटर इसलिए था मैंने किया था कि असल में जो सोसाइटी होती है, माशरे के अंदर जो करता करता धरता जो रहते हैं, जो पावरफुल लोग रहते हैं वो मेल ही रहते, वो जो चीज़ चाहे वो अप्लाई कर देते, नाफिज कर देते और वो सोसाइटी में चलती रहती। भलाई और अच्छाई नाफिज करना मेल का काम है, औरतों का काम नहीं था, इसीलिए किया था। मगर अल्लाह ताला ने और इस्लाम ने औरतों को छोड़ा नहीं है, बेवारस नहीं छोड़ा, बल्कि औरतों को बहुत ज़्यादा इज्जत दी है, उनको जो है विरासत में और उनको दौलत में और जायदाद में हिस्सा दिया हुआ है, उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत की है, उनका बहुत ज़्यादा जिक्र है और उनको बहुत ज़्यादा सवाब भी है। अल्लाह ताला ने उनके कामों में बहुत ज़्यादा सवाब रखा है और उनको बहुत सारी सहूलियत भी दी है अल्लाह ताला ने, नमाज में, रोज़ा में, उनके मखसूस आयाम में छूट दी हुई है। और मस्जिदों में जाके नमाज़ पढ़ना उन पर फ़र्ज़ नहीं है, जैसा मर्दों के ऊपर मस्जिद में जाके फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ना लाजम कह रहा लाजिम है, वैसा औरतों पर नहीं है। जंग में हिस्सा लेना औरतों पर लाजिम नहीं है कि जंग में जाके लड़े, हालांकि रोका नहीं है। और उसके अलावा तिजारत करने और कमा के मर्दों के साथ नौकरियां धंधे करके घर चलाने की जिम्मेदारी औरतों पे नहीं डाली अल्लाह ताला ने, हालांकि मना भी नहीं किया है, जो चाहे कर सकती, जंग में भी जा सकती, ऑफिसों में जाके नौकरी धंधे बिजनेस भी कर सकती, तिजारत भी औरतें कर सकती, उसके ऊपर पाबंदी नहीं डाली। मगर मर्दों पर पाबंदी डाली है कि मर्द जरूर जंग में जाए और जहाद करें और मर्द जरूर जो है ना कमाए, कमाने की जिम्मेदारी
मर्दों पे डाली हुई है, और बाकी जो अच्छे काम अमर बिल मारूफ और नहीं अर मुनकर जो है वो भी मर्दों पे डाली है। क्यों? तो माशरे में, सोसाइटी में जो पावरफुल रहते, करता धरता जो रहते, वो मर्द ही रहते, वो जो चाहते वो वैसा कानून नाफिज करके चलाते। औरतें जो है उनकी बात मानती, अगर अच्छी है, औरतों को भी कहा गया, मर्दों को सबको कहा गया कि जो अच्छी बात है दीन में कुरान और हदीस के मुताबिक है उसको सबने मानना है, कुरान हदीस के खिलाफ है उसको ना औरतें माने ना मर्द माने, कोई भी ना माने। ये यहाँ तक मैंने बताया, इसलिए मेरे जो मजामीन थे उसके अंदर औरतों पे ज्यादा जोर नहीं था, फिर भी जो है औरतों के लिए इस्लाम में बहुत ज्यादा है, मैं बयान नहीं कर सकता इतने छोटे से मजमून में। अच्छा, और एक बात आपने महसूस की होंगी कि जैसा कि मैंने चैलेंज किया था इससे पहले और डिस्क्रिप्शन में, कि इंशाल्लाह आपको जो है हर लेसन में कुछ ना कुछ जो है काम की चीज, काम का यूजफुल कंसेप्ट मिलेगा। हर वीडियो के सेशन में आपको एक कम से कम एक जो है ना यूजफुल कंसेप्ट मिलेगा इंशाल्लाह। मैंने कोशिश किया है कि आपको कोई एक अच्छा कंसेप्ट हर एक वीडियो में आपको दो, एकता और थोड़ा हटके हो और अच्छा हो, यूजफुल हो, वैसा भी है। दूसरा ये कि अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो है जो यूरोप की जो बर्बादी है, यूरोप की बर्बादी के बारे में तो मैंने बता दिया, और वहाँ पे जो बर्बादी फैली वो अथेइज्म की वजह से फैली, अथेइज्म वहाँ आने की वजह से वहाँ वो लोग बर्बाद हो गए, और जो है तो उनका मजहब खत्म हो गया। जब मजहब खत्म हो गया तो फिर उनके अंदर किसी किस्म का लगाव खत्म हो गया, जज्बा खत्म हो गया, वो ये नहीं कर सकते, अटैच कैसे होंगे, अभी मजहब ही नहीं है, सब अथेइस्ट है, तो फिर लड़ना झगड़ना ये सारी बातें खत्म हो गई, उनके अंदर जो है फिर फहाशी फैल गई, नशा फैल गया, डिप्रेशन आ गया। जब कोई मजहब होता है, जब किसी इंसान का मजहब होता है तो वो खुदा से अटैच होता है, जो गॉड है उससे अटैच रहता है, और उसके दिल में उम्मीद रहती है कि मेरा गॉड है और कुछ मदद करेगा जरूर बोल के, तो उसके अंदर डिप्रेशन नहीं आता। मगर जो अथेस्ट रहता, जो जो जो, जो मजहब को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता, उसके अंदर जो है ना उसको उम्मीद नहीं रहती, वो समझता कि अब मैं जो है हाल में है अभी जो है वही है, बाद में मरने के बाद कुछ नहीं है, तो उसके अंदर एक बैकग्राउंड जो है ना मायूसी आ जाती, जिसको डिप्रेशन बोलते। मजहब की वजह से वो डिप्रेशन नहीं आता, मगर अथेइज्म की वजह से डिप्रेशन आता। जब डिप्रेशन आ जाता किसी कौम में और किसी नौजवानों में और किसी माशरे में, तो वो डिप्रेशन में चले जाता, और फिर फहाशी है और ड्रग्स है, नशे की चीज़ें हैं, उसके अंदर जो है ना अपने आप को डुबा लेता, और वो माशरा फिर बर्बाद हो जाता। वो हमने यूरोप में देखे कि ऐसा हो गया। और दूसरा ये बात बताया मैंने कि हर चीज़ का मकसद होता है, हर चीज़ का दुनिया में मकसद है, और जिस चीज़ का मकसद होता है वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाती, और जिस चीज़ का मकसद नहीं होता वो गुमराह होती और भटकते रहती। तो वैसा ही हमारा हाल हुआ कि हमारा तो मकसद था, दीन का मकसद था, अल्लाह ताला ने नबियों को भेजे उनका मकसद था, हमारे दीन का और इस्लाम का मकसद था, मगर हम लोग जो है वो मकसद भूल गए। हमारे जो है शुरू शुरू में लालच की वजह से, दुनिया की लालच के, धन दौलत और पैसा और हुकूमत के लालच में लोगों ने हमारी खिलाफत राशिदा खत्म कर दी। खिलाफत राशिदा खत्म करने के बाद वो लालच में आ गए, उन्होंने बादशाहत कायम कर दी। हालांकि इस्लाम में बादशाहत नापसंदीदा है, खिलाफत पसंद है। क्यों? तो अगर इस्लाम में बादशाहत पसंदीदा होती, और जो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बादशाहत कायम करके जाते, हुजूर सल्लम ने बादशाहत कायम करके नहीं गई, नहीं तो वो अपने इंतकाल से पहले किसी को नामजद कर देगी, मेरे बाद ये बादशाह होगा और इसके बाद ये होगा। हुजूर ने ऐसा नहीं किया, अल्लाह रसूल ने नहीं किया, अल्लाह रसूल भूल नहीं गए, अल्लाह भी नहीं भूला, रसूल भी नहीं भूले। इसका मतलब ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ने हमको जो है ना बादशाहत दे के नहीं गया, इसके इस्लाम में बादशाहत नहीं, इस्लाम में खिलाफत राशिदा खातिम हुई, खत्म हुई, हमारे लोगों ने किया, और बाद में वो उसके बाद फिरके पैदा हुए, और जब दो फिरके बन गए शिया और सुन्नी, उसके बाद तो फिर चेन रिएक्शन बन गई, जैसा न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होती है एटॉमिक की, ये एक न्यूट्रॉन उसको जाके लगा और बाद में फिर दूसरे वो उसका प्रोटॉन फटा, और ये तो चेन रिएक्शन जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है एक के बाद एक के वो चलती रहती। वैसा हमारे पास जो फिरके बने शिया सुन्नी दो फिरके बन गए, उसके बाद चेन रिएक्शन शुरू हो गई फिरकों की, और हमारे पास लगातार फिरके बनते आ रहे हैं, फिरके बनते आ रहे हैं, और इस्लामी फिरकों की कोई जगह नहीं है, इस्लाम फिरकों को रिकॉग्नाइज करता ही नहीं है, और अगर इस्लाम में फिरके हैं तो इसका मतलब वो इस्लाम के साथ मुसलमान से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ना अल्लाह से कोई ताल्लुक है, इस्लाम में कोई फिरका नहीं है। हुजूर सल्लम की जो हदीस मैंने जो आपको उसका रेफरेंस भी बता दिया था नंबर भी, कि 72 फिरकों वाली, उसमें जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने पूछा कि जब हमारे में जो फिरके हो जाएंगे इतने, हुजूर सल्लम ने फरमाया कि 73 फिरके होंगे, उसमें से सिर्फ एक जन्नती होगा, बाकी 72 दोजखी होंगे। तो लोगों ने पूछा, उनके साथियों ने पूछा हुजूर सल्लम से कि कौन सा फिरका है जो जन्नती होगा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो फिरका जिस पे मैं और मेरे साहबी कायम है, ये तो मैंने पास बता दिया, अब वो कौन सा फिरका है जिस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साहबी कायम थे, वो सिर्फ कुरान और हदीस। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई किताब नहीं थी, कोई तफसीर नहीं थी, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं था किसी चीज़ का, खाली कुरान थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी,
तो हमको भी अभी वही करना है कि कुरान, अल्लाह की किताब कुरान पे पकड़ लेना है, कुरान को समझ के पढ़ना है, और हुजूर की जो सुन्नत है उसके ऊपर अमल करना है। दो ही चीजों को पकड़ना है, तीसरी कोई चीज को नहीं पकड़ना। अगर किसी तीसरी चीज को पकड़ेंगे तो फिर हम वो फिरके में नहीं शामिल होंगे जो जन्नत में जाने वाला है, फिर हम वो दूसरे फिरकों में शामिल हो जाएंगे वो जो दोजख में जाने वाले हैं। तो इसलिए हमको याद रखना चाहिए कि हमारे फिरके जो है हमारी नासमझी की वजह से पैदा हुई, हम हमारा मकसद अलीम भूल गए। अल्लाह ताला ने जो गाइडेंस दी हमको, मुसलमानों को जो गाइडेंस दी और जो हिदायत दी, पैगंबरों की जो आने की हिदायत, जो मकसद था वो क्या था वो हम भूल गए। पैगंबरों के आने का मकसद क्या था हम भूल गए, पैगंबर कौन है उनका मकसद हम भूल गए, हमारे दीन का मकसद भूल गए, हमारे दुनिया में आने का मकसद भूल गए। तो ये सब भूलने के बाद जब हमको किसी चीज़ का मकसद मालूम नहीं, जैसे कि हमको इसका मकसद मालूम नहीं, तो हम इसके बारे में फिर अटकलें लगाएंगे, इसके बारे में फिर हम कयास आराया करेंगे कि ऐसा है वैसा है। वैसे ही हमारे दीन के मामले में हुआ, लोगों ने कुरान के बारे में कयास आराया कि ये ऐसी किताब है वैसा है, इसमें ये है इससे ये फायदा है, इसकी ये आयत में ऐसा है, हुरूफ मुक्तात में ऐसा है और उसके नुकते में ऐसा है, वे बुर कयास आराया होना शुरू हो गई। हुजूर सल्लम और नबियों के जात के बारे में कयास आराया शुरू की, नबी ऐसे होते हैं, नबी फरिश्ते हैं, नबी फलाए, नबी है कि औलिया अकराम बुजुर्गान दीन के बारे में कयास आराया शुरू हो गई, अहादीस के बारे में शुरू हो गई, हुजूर के सहाब अकराम जो हुजूर के सहाबा थे उनके बारे में कयास आराया शुरू हो गई कि वो उनकी ऐसी ऐसी थे और वैसे थे, यूं थे त्यूं थे, ऐसा ये सब कयास आराया से शुरू हुई कि हमको मकसद नहीं मालूम। जब हम किसी चीज का मकसद भूल जाते तो ऐसा ही होता। सही मकसद मालूम करना चाहिए कि दीन का मकसद क्या है, इस्लाम का मकसद क्या है, नबियों के आने का मकसद क्या है, वो सब मैंने अपने पिछले दरसों में बता दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे कि जो हम जो फिरका फिरका हो गए, फिरका फिरका होने से जो है हम सिर्फ हमारे नुकसान है, ये शैतान का शैतान के लिए खुशखबरी है। हमारे में फिरके पैदा होना शैतान के लिए खुशखबरी है। इस्लाम में जो है ना फिरकों की जो है कोई अहमियत नहीं है, और हमको जो है फिरकाबाजी से बचना चाहिए, और जो कुरान और हदीस के ऊपर आना चाहिए, सिर्फ कुरान और हदीस के ऊपर पढ़ना चाहिए। कुरान और हदीस की जो आयतें हैं, कुरान की जो आयत है और हदीस के जो जुमले हैं, उनको जैसा नजर आते हैं, जैसा उसका ट्रांसलेशन है, वैसे ही मतलब लेना चाहिए, उसकी तावील नहीं करना चाहिए। तावील करने के बारे में मना किया गया। एक हदीस में है कि कुरान की जो तफसीर लिखेंगे, तावील करेंगे, तो उसे सलाम ने फरमाया कि उसकी तफसीर जो है जो भी करेंगे, जो भी आप करें, अगर उसका सही मतलब भी बता देंगे तो वो भी गलत होगा, क्योंकि तो असल उसके असल जो मतलब है सिर्फ अल्लाह को ही मालूम है। इसलिए कुरान की जो आयत है उसकी वो जैसी की जैसी नजर आती, फेस वैल्यू जिसको बोलते हैं फेस वैल्यू, उसी को मानना चाहिए। जो जैसी उसका जैसा ट्रांसलेशन हमको समझ में आता वही मतलब लेना चाहिए। हदीस का भी ऐसा ही, हुजूर सल्लम ने जो भी बात कही उसके जुमले का जो फेस वैल्यू है, जो ट्रांसलेशन पर नजर आता वही हमको मतलब लेना चाहिए, उसमें छुपा हुआ कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अल्लाह और रसूल हमसे कोई ऐसी काम की चीज, जरूरी चीज छुपाने वाले नहीं थे कि मुसलमानों से छुपा दिया, इंसानों से कोई बात छुपा दी, ऐसा नहीं है। जो भी चीज हमारे काम की थी अल्लाह और रसूल ने जाहिर कर दी। अब छुपी हुई बातें कुरान में तलाश करने का मतलब यह है कि हम अल्लाह रसूल पर इल्जाम लगा रहे कि उन्होंने हमको दीन सही सही नहीं बताया, पूरा पूरा नहीं बताया, और कुछ बातें छुपा के चले गए, ऐसा नहीं है, ये गुस्ताखी है। इसलिए हमको जो है ना जो फेस वैल्यू है, जो क्लियर क्लियर नजर आ रहा है कुरान हदीस की आयत में, उसी के ऊपर अमल करना चाहिए। इसलिए हमको अगर सही रास्ते पे आना है, सही दीन पे आना है, और वो 72 फिरकों में नहीं होना है, और वो फिर उस जगह पे होना चाहिए जो जन्नत में जाने वाले, जो हुजूर ने फरमाया फिरका, वो सिर्फ कुरान पे चलने वाला, अल्लाह की बात पे चलने वाला, अल्लाह किताब पे चलने वाला, और हुजूर की सुन्नत पे चलने वाला होना चाहिए। तो ये हम ये काम करें। और जो मैं बात भूल गया था वो ये बताते चलूं मैं कि हमको जो है इस्लाम का जो हम मकसद तो भूल गए। अब जो यूरोप के अंदर जो यहूदी थे उनका भी मैंने मकसद बता दिया कि जो यूरोप के अंदर जो है यहूदियों ने कुछ सब सब सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। जब वहाँ पे यूरोप में इलाहाद और बेदीनी और अथेजम आ गया, तो असल में वो यूरोप के लोग पहले क्रिश्चन थे, ईसाई थे, वो क्रिश्चन थे, और यहूदियों पे इल्ज़ाम था कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, सलीब पे चढ़ाया और उनको मारा, और वो इल्ज़ाम की वजह से यहूदियों के ऊपर बहुत जुल्म करते थे, परसिक्यूशन होता था, और पूरे 2000 साल तक यहूदियों के ऊपर यूरोपियन कौमों ने बहुत जुल्म किया। सिर्फ मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने उनको 1400 साल तक यहूदियों को प्रोटेक्शन दिया, अपने मुस्लिम ममालिक में जो उनको हिफाजत से रखा, इज्जत दी, बड़ी बड़ी पोस्टों पे यहूदी रहे। सिर्फ जो है फलस्तीन का जो मसला आया, जब यहूदियों के ऊपर हिटलर ने जुल्म किया, होलोकास्ट किया और यहूदियों को मारा लाखों की तादाद में, उसके बाद जो है यहूदियों के यहूदी असल में उस जमाने में तरक्की कर रहे थे, जो
होलोकॉस्ट के पहले के जमाने में, और एटम बम के फार्मूले और वो बनाने करने में लैब में पूरे यूरोप में काम करते थे, अमेरिका में यहूदी काम करते थे, और बड़े बड़े साइंटिस्ट यहूदियों के थे जिनके पास एटम के फार्मूले थे, एटम बम के फार्मूले थे। और उन्होंने असल में डराया बाद में यूरोपियन होमो को कि अगर तुम हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम एटम का फार्मूला मुसलमानों को दे देंगे। क्यों? तो जब तक यहूदियों के और मुसलमानों के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, मुसलमानों ने उनको 1400 साल तक बचाया था, प्रोडक्शन दिया था, यूरोपियन होमो के जुल्म से बचा के अपनी ममलिकत में रखा था, इसलिए यहूदी जो है ना ममनून और मशकूर थे। तो उन्होंने जो है ना फिर यूरोपियन कौमों ने जब देखा कि यहूदी जो है मुसलमानों को बम दे देंगे, एटम बम फार्मूला दे देंगे, और फिर से पूरी दुनिया पे सल्तनत उस्मानिया कायम हो जाएंगी, मुसलमानों को हुकूमत कायम हो जाएंगी, इसलिए उनको यहूदियों से बचाया उन्होंने, मगरबी कौमों ने, और इसराइल को जो है ना फलस्तीन में एक मुल्क दे दिया और वहाँ तुम वहाँ रहो और अपनी हुकूमत कायम करो। अब यहाँ से मसला शुरू हुआ। अब जब फलस्तीन में यहूदियों को मुल्क दे दिया तो उसके बाद असल में मुसलमानों की ताकत तो खत्म हो गई थी। पहले आलमी जंग में मुसलमान पूरे अरब इलाका हार गए थे, पूरी दुनिया की मुसलमान हुकूमतें पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार में खत्म हो गई थी। अब मुसलमान पर कोई ताकत नहीं थी। अब ये अल्लाह का कानून है कि जब तुम जमीन के ऊपर हुकूमत हाकिम है, हुकूमत कर रहे हैं, तो वो उसी वक्त कर सकते हैं जब आपके पास पावर है, मिलिट्री पावर है, फौज की ताकत है, और आप लोगों पे फौज से सियासी तौर पे जब कायम हो सकते, उसी को हक है जमीन के ऊपर हुकूमत करने का। मुसलमानों का भी यही मामला था। 1440 साल पहले मुसलमानों की कोई जमीन नहीं थी, कोई पावर नहीं था। मक्के से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेयारो मददगार निकलना पड़ा, मदीने में गए, मदीने में जाके वहाँ के लोगों ने उनकी मदद की, नुसरत की, और इस्लामी हुकूमत कायम हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दो दौर है, मक्की दौर और मदीनी दौर, मक्के के दिन, मक्के का जो 13 साल है उसके एक एक दिन हमारे लिए इबरत है और सबक है कि हमको हाथ दे वो वैसा रहना चाहिए जैसा कि इस्लाम और मुसलमान गैर मुस्लिमों के कंट्रोल में थे, मक्के में थे, और गैर मुस्लिमों के और दुश्मनान इस्लाम के कंट्रोल में थे, वो कैसा रहते थे, वो मक्की दौर की ज़िंदगी पे हमको अमल करके रहना चाहिए, और जो जहाँ पे मुसलमानों हाकिम है वहाँ पे मदनी दौर के अंदर रहना चाहिए जैसा मदीने में मुसलमान रहे और हुजूर सल्लम रहे और इस्लाम मदीने में रहा और इस्लाम गालिब रहा। तो ऐसे मुल्कों में जहाँ इस्लाम गालिब है वहाँ मदनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए, और ऐसे मुल्कों में जहाँ इस्लाम मगलूब है वहाँ मक्की ज़िंदगी गुजारना चाहिए। ये बात हो गई। मगर ये अल्लाह ताला का कानून है कि हमारे पास जमीन नहीं थी उस जमाने में, मगर अल्लाह ताला ने हमको धीरे धीरे पावर दी, ताकत दी, और हम पूरे दुनिया के इलाके फतह कर दिए। उस जमाने की जो नोन जो दुनिया थी, ओल्ड ओल्ड वर्ल्ड जिसको बोलते, वो तकरीबन 90% पे हम कब्जा कर चुके थे, और अभी भी आज भी दुनिया की कम से कम 40% 50% जमीन एरिया वाइज हमारे कब्जे में है, और मुसलमान मुल्क है वहाँ पे। तो ये जो जमीन के ऊपर जो है यहूदियों को जो है हमने रखा था और वो रहते थे, और वो हमने कहाँ से हासिल की, हमारे पास नहीं थी, हमने जंग के कुव्वत से और फौजी ताकत से गलबे से वो हासिल किया, हमारा तसल्लुत रहा। जब तक हमें अल्लाह ताला ने चाहा कि हमें फौजी तसल्लुत रहे, सियासी रहे, हम जमीन पर कायम रहे, मगर अब अल्लाह ताला ने हमने जो जैसा बताया मैंने कि अल्लाह की नाफरमानी की, कुरान हदीस पर नहीं चले, फिरकाबाजी की और अटकलें तावीलें की कुरान की, और अब दीन का मकसद भूल गए, दीन को नहीं फैलाया, और दुनिया के 90% इंसानों को, उस जो दुनिया के जो इंसान है सब अल्लाह की मखलूक है, वो 90% इंसानों को हमने गैर मुस्लिम रखा, उसकी सजा अल्लाह ने ये दी कि हमसे हमारा गलबा छीन लिया, हमको मखलूक कर दिया और गैरों को हुकूमत दे दी, उनको पावर दे दिया, अब वो हमारे मुल्कों पे काबिज है। तो अब हमको चुप बैठना चाहिए। फलस्तीन के जब हमारे यहाँ से चला गया तो उसके बाद वहाँ इसराइल कायम हो गया, तो वहाँ तरीका ये था, सही तरीका तो ये था कि हम मखलूब होके खामोश बैठ जाते तो अब ये दुश्मनी नहीं बढ़ती। मगर इसराइल जब कायम हो गया तो मुसलमानों ने अकलमंदी का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि वहाँ पे उनसे लड़ते रहे, करते रहे, टेररिज्म करते रहे। तो आज ये हालत है कि यहूदी मुसलमानों को चुन चुन के मार रहे, फलस्तीन के जो है पूरी नस्ल खत्म कर रहे हैं वो लोग, तो उसके जिम्मेदार हम खुद है। क्यों? तो हम अगर चुप हो जाएंगे, अल्लाह का कानून मान जाएंगे कि भैया हमारे पास ताकत नहीं है तो हम चुप बैठना चाहिए, तो हम बच जाएंगे। जैसा कि यहूदी पिछले 2000 साल से परसेक्यूशन में थे, जुल्म में थे, उनको लोग मारते थे, मगर उन्होंने कभी भी पलट के जवाब नहीं दिया और कुछ लोगों पर हमला नहीं किया और खामोश बैठे रहे, दबे रहे, तो आज बचे। दुनिया की जो भी कौमें मुसलमानों के अंडर में थी, जब मुसलमान की हुकूमत थी दुनिया में 1200 साल, तो जब मुसलमानों के अंडर में जो भी गैर मुस्लिम कौमें थी वो भी खामोश बैठे थे, दबे रहे, बैठे रहे, और दबने बैठने की वजह से आज वो कायम है, आज वो कायम है, अल्लाह ताला ने उनको उरूज दिया और वो हाकिम हो गए। वैसा अगर आज हम भी अपनी बात मान जाए और खुदा का कानून पहचान ले, फलस्तीन में कुछ गड़बड़ ना करे, तो आज भी हम बच सकते हैं, और नहीं तो फिर वो लोग यहूदी चुन चुन के मुसलमानों को मारेंगे, बदले निकालेंगे और हर पूरी नस्ल खत्म कर देंगे। ये फलस्तीन का ये मसला है, और यहूदियों को जो बचाया था होलोकॉस्ट से, वो बम की वजह से बचाया था, बताया मैंने आपको।
इस्लाम में जो है मैंने बता दिया कि औरतों के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा है लोगों ने, हमारे मुफक्किरीन ने, और इस्लाम ने बहुत ज़्यादा उनको सहूलियात दी, औरतों को इज्जत दी। औरतों का लिए जो बुरखा दिया है असल में औरतों के प्रोटेक्शन के लिए, औरतों की इज्जत के लिए। जो बुरखा वाली, हिजाब वाली, चादर वाली जो औरत होती है उसकी माशरे में बहुत इज्जत होती है, इज्जतदार समझी जाती है। उससे दो फायदे मैंने बताया आपको कि औरतों की तरफ देखना भी इस्लाम में मना इसलिए किया गया है कि औरतों की तरफ ज़्यादा देखना, औरतों की तरफ देखना जो है, औरतों की जो खूबसूरती है और औरतों की तरफ से अट्रैक्शन है वो फितरती फितरत है। जो मर्द है, सही मर्द है, जो स्ट्रेट मर्द होते हैं, वो उनके अंदर अल्लाह ताला ने ये कशिश रखी है औरतों के ताल्लुक से। औरतों को खूबसूरत औरतों को देखेंगे तो उनके दिल में अट्रैक्शन पैदा होता, ये मर्द की फितरत है, ये अल्लाह ताला ने बनाया है, फितरी जज्बा है। और उसको सूरा जो है आल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 14 में कहा गया है कि मर्दों के दिल में औरतों की तरफ से कशिश है, वो तो है और वो ज़रूरी है कि वो जिसकी वजह से पूरा रिप्रोडक्शन होता, पूरे औलाद आदम फैलती दुनिया में, और मर्द और औरत मिल के माशरा बनाते, सोसाइटी बनते, मिल के रहते, ख़ानदान एक दूसरे आते और एक अच्छी सोसाइटी बन सकती, तो ये तो है। तो मगर औरतों की तरफ इसलिए भी देखने के लिए मना किया गया है कि औरतों को ज़्यादा देखने से, खूबसूरत औरतों को ज़्यादा देखने से जो दिमाग के अंदर जो हार्मोन है जिसको डोपामाइन बोलते हैं उसका लेवल बहुत हाई हो जाता, और वो डोपामाइन का लेवल अगर हमेशा हाई रहने से और बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर हाई रहने से इंसान जो है गैर फित्री अमल की तरफ चले जाता, जैसा कि होमोसेक्सुअलिटी है, एलजीबीटी है, वो बन जाए, वो उसके तरफ रुझान चले जाता। आज के जदीद दौर में जो होमोसेक्सुअलिटी बढ़ती जा रही, एलजीबीटी जो लोग बन रहे हैं, तो वो जो है एलजीबीटी जो लोग बन रहे हैं तो वो इसीलिए बन रहे हैं कि वो माशरे में, सोसाइटी में, आज के यूरोपियन सोसाइटी में औरतों को कम से कम कपड़ों में देख रहे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हालत में देख रहे हैं, जिसकी वजह से उनका डोपामाइन लेवल बढ़ जा रहा आज, और वो एलजीबीटी बन जा रहे। हमारे मुसलमानों को उस पर मना किया गया, औरतों को तो नहीं देखने के लिए कहा गया, औरतों को तो अगर नहीं देखेंगे आप, सिर्फ अपनी औरत पर इतफा करेंगे तो वो लेवल नहीं बढ़ेगा और आप फितरी तरीके से मिलजुल के साथ रह सकेंगे। और औरतों की तरफ ज़्यादा देखने से ये बीमारी क्या पैदा होती है कि आदमी नामर्द भी हो जाता, वो ऐसा कि उसका डोपामाइन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता, फिर अपनी औरत के पास, अपनी औरत की देखने के बाद उसका लेवल उतना हद तक नहीं पहुंचता, उतनी मसरत और फरहत उसको हासिल नहीं होती, और जिसकी वजह से उसको गोलियां खाना पड़ती, उसको आजकल जो गोलियां निकली हुई है टडाला फील, ये वो ऐसी गोलियां खाना पड़ती, और वो गोलियां खाने की वजह से फिर हार्ट पे और दूसरी जगह पे, गुर्दों पे असर होता है और जल्दी से मौत हो जाती। ये भी उसके एक वजह है कि आज के ज़माने में औरतों को ज़्यादा से ज़्यादा देखने में आ रही, मजबूरन है कि माशरे में तो आई नजर आ ही रही है, तो इसके लिए भी है कि वो नहीं कर देखना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये बात मैं बताते, आज ये इंशाल्लाह ये आखिरी लेसन ही रहेगा, कि तो अभी मेरा पास के पूरे जो मजामीन थे वो ख़त्म हो गए, जो जो आपको बता रहा था मैं कि वो तकरीबन ख़त्म हो गया। अच्छा, हमारा जो इस्लाम है, इस्लाम मजहब में कुरान में जगह जगह चैलेंज किया अल्लाह ताला ने, जाओ घूमो फिरो देखो, अपने दिमाग अखल और फरासत को और फहम को इख्तियार इस्तेमाल करके अल्लाह को पहचानो। ये दुनिया का कोई मजहब ये चैलेंज नहीं करता, क्योंकि तो दुनिया के सारे मजहबों को डर है कि अगर वो लोग जाएंगे ढूंढेंगे देखेंगे उनको हकीकत पता चल जाएंगे और हमको छोड़ देंगे, मगर इस्लाम को कोई डर नहीं है। इस्लाम बोलता है तुम जाओ देखो और कबूल करो, ये है असल चीज़। और इस्लाम ने कुरान के अंदर इंसान को बहुत चैलेंज किया है, घूमो फिरो देखो और अल्लाह को पहचानो। अच्छा, ये जो है हमारे जो लोग हैं, हमने जो बताया मुसलमान एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, हमारे जो आपसी मसले मसाइल है और जो हमने लड़ाई झगड़े होते उसके फैसले उलमा के पास जाके करना चाहिए, मस्जिदों में जाएं, उलमा के पास जाएं, इस्लामी तरीके से हल कर लें, इसके अंदर हमारा फ़ायदा है, हमारा पैसा भी बर्बाद नहीं होगा, कोर्टों में, अदालतों में, पुलिस में नहीं जाएगा, अपने मसले इस्लाम से हल करेंगे, इससे सवाब भी मिलेगा, दुनिया के अंदर हमको जो है तस्कीन भी मिलेगी, दिल को सुकून भी होगा कि हमने इस्लाम तरीके से कुरान के हुक्म से फैसला किया, वो एक सुकून है, और अल्लाह ताला खुश होकर हमको सवाब भी देगा कि देखो मेरा बंदा इसके पास पावर नहीं होने के बावजूद भी, हुकूमत नहीं होने के बावजूद भी मेरे हुक्म के हिसाब से फैसला कर रहा, ये दोहरा फायदा अल्लाह ताला की तरफ से मिलेगा। फिर आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, मिलजुल के कारोबार करना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया, एक दूसरे की मदद करना चाहिए, एक दूसरे पर जुल्म नहीं करना चाहिए, हुकूकुल इबाद की पामाली नहीं करना चाहिए, जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन इस्लाम में बहुत मना है और इसकी अल्लाह ताला के तरफ से माफ़ी नहीं है, तो इस हुकूक़ो लिबाक की पामाली मुसलमान बहुत करते, एक दूसरे को सताते, एक दूसरे पर जुल्म करते, जो मालिक है
वो अपने से मातहतों के ऊपर जुल्म करते, उनको जो है तो अड़ा के और उनको उनको जो है तो ब्लैकमेल करके उनसे ये करते, ये सारा जो है कुकुल इबाद की पामाली है, इसकी बख्शिश हरगिज नहीं है, अल्लाह खुद नहीं माफ कर सकता इसको, ये नहीं करना चाहिए। और इस्लाम को आसान करना चाहिए, दीन का दीन में आसानी पैदा करना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि मस्जिदों के अंदर वजू की टूटियाँ बहुत मुश्किल जगहों पर लगी रहती हैं, मस्जिदों में जो लोग जो है जो भी लोगों की हरकतें हैं, रोड रास्ते पे चलना है, ट्रैफिक में है, जब कहीं भी गाड़ियां खड़े कर देंगे, लोगों के लिए ट्रैफिक जाम करेंगे, रास्ता चलते वक्त जो है खुद अपने ही सोचेंगे कि रोड पे खुद अकेले है, दूसरा नहीं है, हर एक का ख्याल करना चाहिए। उससे लोगों को एक्सीडेंट हो जाते, खुद तो तुम निकल जाते मगर लोग एक्सीडेंट में आ जाते गाड़ियां चलाने की वजह, तुम्हारी चलाने गलत चलाने की वजह से। इसलिए लोगों का सबका ख्याल करना चाहिए। और हम लोग जब किसी के पास मेहमान बन के जाए, अपने बच्चों का खास ख्याल रखना चाहिए, बच्चों का बहुत लाड़ प्यार करना चाहिए, मगर बच्चों को दूसरों के घर में जाने के बाद, मेहमान बनने के जाने के बाद, बच्चों पे खास नजर रखना चाहिए कि अपने बच्चे किसी घर में किसी चीज को हाथ तो नहीं लगा रहे, किसी चीज को नहीं तोड़ रहे। अगर किसी कहीं पार्किंग में खड़ी है, अपने घर है, बिल्डिंग है, अपने फ्लैट के नीचे पार्किंग है, तो अपने बच्चों को खास ताकीद करना चाहिए कि दूसरे के गाड़ियों को हाथ ना लगाए, उनके जो शीशे हैं साइड ग्लास उनको हाथ ना लगाए और किसी किस्म का नुकसान ना करे, और अपने बच्चों पे खास लाड़ करना चाहिए। मगर बच्चों को जो है अपने बेजा लाड़ ऐसा भी नहीं छोड़ देना चाहिए कि दूसरों के घरों में जाकर तकलीफ पहुंचाए। ये सारी बातें हैं जो हुकूक लिबाद की पामाली में आती हैं, और हमको जो है ना हर चीज ऐसी चीजों से बचना चाहिए, एक दूसरे का ताउन करना चाहिए। और आज आखिरी जमाने में, जो आखिरी जमाना चल रहा है कि क़यामत के करीब का, हमको एक दूसरे से ताउन करना चाहिए और दुश्मनों को चालों को पहचानना चाहिए। हमारे जो दुश्मन है, इस्लाम के जो दुश्मन है, वो जो है हम में हर किस्म की बुराई फैलाना चाह रहे, हमको बर्बाद करना चाह रहे, और हम में नशा और जो है और फहाशी और गुर्बत फैलाना चाह रहे, और वो खुद जो है ये उनके शैतान की भी चाल है, हमारे दुश्मनों की भी चाल है। और ये सब कैसे पहचानेंगे? हुजूर सल्लम की हदीस है कि मोमिन की फिरासत से डरो, क्योंकि मोमिन जो है ना अल्लाह के नूर से देखता है। ये हदीस है, ये जो है ना हजरत बुखारी ने जो है ना अपनी किताब में इसको लाया है कि, और इमाम तुबरानी ने जो है इस्लाम की जो है तारीख तारीख कबीर में भी इसको लाया है, और बुखारी ने भी लाया है कि मोमिन की फिरासत से डरो। अब आप जब के अंदर फिरासत पैदा हो जाएंगी, तो मोमिन की फिरासत से आप देखेंगे कि दुश्मनों की चालें आपको नजर आएंगी, कि दुश्मन क्या करते कैसा करते। ये पूरे दुनिया के अंदर जो इनसाइड जॉब किए, पूरे दुनिया के अंदर जो बम फोड़े और जो मुसलमानों को बदनाम किया, ये सब हमारे दुश्मनों ने किया, मुसलमानों ने नहीं किया, वो इनके इनसाइड जॉब थे, मुसलमानों को टेररराइज करने के लिए, मुसलमानों को डेमोनाइज करने के लिए उन्होंने किया। और वो जो पूरे दुनिया के अंदर जो मुसलमान जो हुकूमतें हैं, मुसलमान जितनी भी हुकूमतें हैं वहाँ के हुक्मरान हैं, उनको कठपुतली के तौर पर नचाने के लिए क्या करते हैं कि पूरे जो हमारे दुश्मनान इस्लाम हैं उनकी जो हुकूमत के जो खुफिया एजेंसियां हैं वो पूरे दुनिया में कार्टेल चलाते, कार्टेल चलाते पूरे गैर कानूनी कामों के, मनी लॉन्ड्रिंग के, इसके उसके ड्रग्स के कार्टेल चलाते, और हमारे जो बड़े बड़े हुकूमत के सरबरा है उनको इन्वॉल्व करते, उनके बिजनेस उसमें चलते रहते। क्यों चलते रहते? ताकि उनका पूरा सबूत उनके पास हो और उनको कठपुतली की जैसा नचाए, जब चाहे जब किसी भी जो है तो लीडर की बात फोड़ देंगे तो हम तुमको हम ऐसा कर देंगे, जैसा कि पनामा पेपर्स है, फला पेपर्स है, विकी लीक्स है, उसमें से जो पेपर लीक करके तो डरा देते कि हम तुम पहले तो उनसे धंधे कराते, हमारे बड़े बड़े सरबराहान से बड़े बड़े धंधे कराते, उनसे सब गैर कानूनी काम कराते, हमारे दुश्मनान इस्लाम की हुकूमतों के जो खुफिया एजेंसियां हैं वो लोग कार्टेल चलाते, पूरे दुनिया में ड्रग्स और जो इलीगल काम है प्राइवेट लोग नहीं करते बल्कि हुकूमत के लोग करते, और उसमें खास तौर से मुसलमान जो मुल्कों के सरबरा है उनको सबको इन्वॉल्व करते, उनके सबके धंधे बिजनेस रखते और पूरे सबूत रखते अपने पास। अब जब चाहे जिसको चाहे कठपुतली के जैसा नचा देंगे, हम तुम्हारा पेपर लीक कर देंगे, बस वो काबू में आ जाता और वो पूरा मुल्क जो है ना दुश्मनों की झोली में गिर जाता। ये भी दुश्मनों की चाल है। इसलिए ये सारी बातें कैसे मालूम होंगी? मोमिन की फिरासत से। जब आप में मोमिन की फिरासत पैदा हो जाएंगी तो आपको हमारे दुश्मनों इस्लाम की चालें नजर आ जाएंगी। हुजूर सल्लम की हदीस है कि मोमिन की फिरासत से डरें, क्यों? तो मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। जब आपके अंदर ये अल्लाह का नूर आ जाएगा तो आपको हर चीज वाजे नजर आएंगी, हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। आपको आपने एक बात ध्यान रख लेना चाहिए कि पूरी दुनिया में जो बम फटे, टेररिज्म के हमले हुए और जहाँ पे लोग मरे, तो सिर्फ मुस्लिम मुल्कों में ही ज्यादा लोग मरते हैं। जब बम फटता है 100, 150, 200, 500 लोग मर जाते, 1000 लोग मर जाते, मुस्लिम मुल्कों में 100 से कम लोग मरते ही नहीं जब बम फटते, मगर गैर मुस्लिमों में जब बम फटते 1-2 मरते, बल्कि कुछ लोग जख्मी होते। पूरे दुनिया के हर मुल्क में बम फटे मगर लोग नहीं मरे, लोग सिर्फ मुस्लिम मुल्कों में मरे। क्यों मालूम क्या? हमारे दुश्मन जो है अपने मुल्कों में तो लोग नहीं मार सकते, अपने लोगों को कैसे मारेंगे, उनको तो दुश्मनी मुसलमानों से है, मुसलमानों को मारते, इसलिए मुस्लिम मुल्कों में बम जो फटते हैं वहां पे ज्यादा लोग मरते हैं। इससे ये सबूत है कि पूरी दुनिया में जो बम फोड़ते वो गैर मुस्लिम फोड़ते, मुसलमान नहीं फोड़ते, मुसलमानों को सिर्फ डेमोनाइज और टेररराइज करने के लिए इनसाइड जॉब करते। हर मुल्क में किसी ना किसी तरीके से इनसाइड जॉब करके मुसलमानों को डेमोनाइज किया। पिछले 2-3 साल पहले श्रीलंका के अंदर भी जो ईस्टर के ऊपर जो हमला हुआ, ईस्टर के दिन
चर्च के ऊपर, वो भी उन्होंने किया। और हर जगह ये लोग धमा करके मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाते रहते। इसलिए हम लोगों को अपना मकसद याद रखना चाहिए, इस्लाम का और दीन का मकसद याद रखना चाहिए, और शैतान के शर से बचना चाहिए, क्योंकि तो शैतान कंटिन्यूस काम में लगा हुआ है। हम लोग गाफिल है, पूरी दुनिया की इंसान और मुसलमान गाफिल रहते, मगर शैतान गाफिल नहीं है, क्योंकि तो शैतान तो फरिश्तों की जमात में खड़ा हुआ था। उसको मालूम है क़यामत कब आने वाली है, कैसे आने वाली है, क्यों आने वाली है, उसको मालूम है क़यामत एक टाइम फिक्स है, वो आएंगे ज़रूर, उसके पास टाइम कम है, इसलिए वो कंटिन्यू बिजी रहता अपनी पूरी फौज के साथ लगा हुआ है, इंसानों के साथ। मगर हम लोग गाफिल है, इसलिए हमको गाफिल नहीं रहना चाहिए, सही हिदायत की तरफ आना चाहिए, बाकी सारी बातें छोड़ देना चाहिए। हमारे जो मुसलमान है वो अपने असल ईम को और अपने मकसद को भूल गए और अटकलें लगाते रहते। इसी अटकलों के अंदर हमारे मुसलमानों ने कुरान की बड़ी बड़ी तफसीरें लिखी, तावीलें की आयतों की, और इतनी तफसीरें हमारे पास मुसलमानों के पास कुरान की और हदीस की बहुत तफसीरें हैं, और एक एक तफसीर जो है आठ आठ जी आठ आठ वॉल्यूम, नौ नौ वॉल्यूम, दस दस वॉल्यूम, बारह बारह वॉल्यूम, बीस बीस वॉल्यूम की किताबें लिखी हुई है। तो इतने लिखने की जरूरत नहीं है। आज मुसलमानों के पास किधर पैसा है कि वो वॉल्यूम खरीद की किताब पढ़े, पीडीएफ भी डाउनलोड करके इतना नहीं पढ़ सकते। असल में ये सब डिस्ट्रैक्शन पैदा करने वाली चीज़ है। हम इतनी वॉल्यूम कब लेके पढ़ेंगे, और पढ़ने के लिए हमको किसके पास टाइम है? आज के ज़माने में हर मुसलमान जो है अपनी रोजी रोटी रोजगार के लिए बिजी है, 16 16 घंटे, 17 17 घंटे काम करते, थक जाते, वो एक वॉल्यूम भी नहीं पढ़ सकते, तो तुम्हारे 20 वॉल्यूम कहाँ से पढ़ेंगे? इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि मोटी मोटी किताबें ना लिखें, छोटी छोटी पतली किताब लिखें, कम कीमत लिखें, ज़्यादा कीमत तो एक एक किताब जो है तुम हज़ार हज़ार दो दो हज़ार की लिखेंगे रहेंगी, तो ऐसी किताबें कौन खरीद के पढ़ेंगे, किसके पास पैसा है? इस्लाम के लिए तो लोग जो है ना 20 रुपये नहीं खर्चा करते, एक धर्म नहीं खर्चा करते। इसलिए जो है मुसलमानों के जो बड़ी बड़ी किताबें लिखी उन्होंने, बड़ी बड़ी तफसीरें लिखी, ये असल में शैतान का बहकावा है। शैतान ऐसे काम कराता है मुसलमानों से और इंसान से कि हमको लगता है कि हम नेक काम कर रहे, भलाई का काम कर रहे, सवाब का काम कर रहे, बड़ी बड़ी तफसीरें लिख दिए, बड़े बड़े उसके बारे में किताबें इस्लाम की तरफ से लिख दी, कई कई वॉल्यूम पे, कई कई जिल्दों पर। असल में शैतान का धोखा है, शैतान हमको बताया कि हम नेक काम कर रहे, हालांकि ये नेक काम नहीं है, इसलिए ये तो इस्लाम से दूर करने का है। वो कौन किताबें पढ़ रहा है, कितने आलिम है, और असल में किताब इस्लाम तो आम मुसलमानों के लिए, आलमों के नहीं है, जैसा कि दूसरे मजहब है दुनिया के, वो सिर्फ उनके मखसूस चंद लोगों के लिए है, कि कुछ लोग वो दीन पे चल सकते, उनके मजहब पे चल सकते, सब नहीं चल सकते। मगर इस्लाम तो जो है ना हर एक के लिए है, अल्लाह ताला का जो दीन है हर एक मुसलमान, हर एक कॉमन इंडिविजुअल जो है पीपल है उसके लिए है। तो इसके लिए वो दीन ऐसा आसान होना चाहिए कि हर एक पढ़े हर करे। तो हमारे पास कुरान और हदीस है, कुरान की एक किताब है छोटी सी जो हर एक मुसलमान जो है अगर तर्जुमे से पढ़ना चाहे 15 दिन में पढ़ के खत्म कर सकता, समझ समझ के। और हदीस की किताब भी मैं बताया, मशकात मिसाबी, वो भी अगर लेके बैठ जाए तो एक महीने में पूरी खत्म हो जाती। तो बस इतने में इस्लाम हासिल होता है। इतनी बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी किताबें लिखना, ये भी हमारा जो है ना अपने मकसद को भूल जाना, डिस्ट्रैक्ट हो जाना, और जो है ना गलत रास्ते पे चलने का निशानी है। ये बड़ी बड़ी तफसीरें, मैं ये नहीं बोलता कि नहीं पढ़ना है, आपने इल्म हासिल करने के लिए पढ़े, पढ़े पहले सही दीन के पर आ जाए, सही रास्ते पर आ जाए, दीन के सही एम आपको मालूम हो जाए, मकसद मालूम हो जाए, उसके बाद आप वो सारी की तफसीरें पढ़े, जिसके पास टाइम है पढ़ सकते। मैं किसी को कोई किताब पढ़ने से, कोई मजहब की स्टडी करने से मना नहीं करता, पूरे दुनिया के मजहब की स्टडी करो, पूरे दुनिया की किताबें पढ़ो, इस्लाम के खिलाफ भी पढ़ो, इस्लाम के फेवर में पढ़ो, हर किस्म की चीजें पढ़ो, मालूम करो, और सही दिन जब आपके दिमाग में रहेगा, सही बात आपके दिमाग में रहेंगी, लॉजिक के तरीके से आपके दिमाग में इस्लाम की बात रहेंगी, तो आपको कोई नहीं बहका सकता, शैतान भी नहीं बहका सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शैतान कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि इंसान को शैतान नहीं बहका सकता, न पकड़ के उसका हाथ से कुछ काम करता, वो तो बस छोटा मोटा बहकावा और दिमाग में वसवसे पैदा कर देता। हम लोग जो है आज हमारे दिमाग में जो वसवसे आते हैं, नमाज पढ़ते वक्त भी वसवसे दिमाग में आते हैं, उसकी असल वजह क्या है कि हमको असल में हमारा मकसद नहीं मालूम है। हमको अपना अपना मकसद मालूम हो जाएगा तो वसवसे नहीं आएंगे। और एक बात मैं बता रहा था कि जो बैत का सिलसिला है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिंदा थे तो अपने जो लोग थे, सहाबा थे, उनके अमीर थे और बाकी सब लोग उनपे बैत थे। हुजूर के इंतकाल के बाद बैत का सिलसिला खुलफाए राशिदीन में चला। खुलफाए राशिदीन के बाद, खिलाफत राशिदा के खातेमे के बाद, बादशाह कायम होने के बाद, बैत का सिलसिला हमारे जो उलमा बुजुर्गान दीन और सूफिया लोगों ने अपने मुसलमानों में चलाया और मुसलमानों को जो है रूहानी तस्किन पहुंचाई। इस्लाम के अंदर जो है इंसान की स्पिरिचुअल जो भूख है उसके लिए भी चीज़ मौजूद है। ऐसा नहीं कि इस्लाम ने इंसान की जो स्पिरिचुअल है, जो रूहानी है, रूहानी भूख के लिए कुछ नहीं मुहैया किया। इंसान अल्लाह ताला ने इंसान के जो दुनियावी जरूरियात के लिए भी चीज़ें रखी है दुनिया में, दुनियावी जरूरियात के लिए खाना पीना आयश आराम जो है वो भी रखा है, और उसकी स्पिरिचुअल जो है, उसकी जो रूहानी जो है भूख है उसके लिए भी रखा है। उसके लिए है वैद का सिलसिला, एक अमीर को मानना। हर एक इंसान में, जैसा मैं बताया कि नफ्सियात में है इंसान के,
साइकोलॉजी में है कि किसी की इत्तबा करे, किसको फॉलो करे, किसी को अपना हीरो माने, ये हर एक इंसान की फितरत में है। तो हम मुसलमानों को जो है ना, और एक अच्छे आदमी की सोबत में रहना चाहिए, एक अच्छे को अपना अमीर बनाना चाहिए। अगर हम किसी अच्छे को अपना अमीर नहीं बनाएंगे, और जो इंसान पूरी इंसान जो की फितरत है, या जब उसको कोई अच्छा नहीं मिलता तो फिर दुनिया की तरफ भटक जाता है। नाचने गाने वाले ऐसे खिलाड़ी, स्पोर्ट्समैन, ऐसे लोगों को फिर अपना हीरो समझ लेता और उनको इत्तबा करता, उनको फॉलो करता। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि अच्छे को फॉलो करे, अच्छे के साथ रहे। कुरान शरीफ के अंदर भी हुजूर सल्लम को खुद सूरह कहफ में कहा गया कि जाओ अच्छों के साथ बैठो। कुरान के में सूरह कहफ में हुजूर सल्लम को अल्लाह ताला ने कहा कि अच्छों के सोबत में रहो। इसलिए ये तो हुजूर को अल्लाह ताला ने नहीं कहा, बल्कि पूरे उम्मत मुसलमान को कहा, पूरे इंसानों को कहा कि तुम अच्छों के सोबत में रहो, अच्छों के साथ बैठो। तो हमको भी चाहिए कि अच्छे के साथ रहे, अच्छे पर बैत करे, और अच्छी और दिल में सुकून पैदा होता है, नमाज में वसवसे नहीं आते। आज हमारे जो गैर मुस्लिम जो है, हमारे दुश्मनान इस्लाम ये बात को इस्तेमाल कर रहे। हम जो लोग देखते ना कि उनके जो इज्तिमाओं में और उनके जो मजहबी प्रोग्रामों में खूबसूरत और अच्छी लड़कियां, औरतें उन्होंने बिठाई हुई रखी हुई है, जो तबलीग कर रहे, अटैच हो रहे, और उनके जो मजहब के जो रिटायर्ड लोग हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर रह के बाद में रिटायर हो जाते, वो भी जो है ना उनके आलिम बन के लोगों को जो है ना हमारे इस्लाम की बातें बता रहे। इस्लाम की सारी बातें अपने मजहब पे लगा के बता रहे कि ऐसा मजहब में है, हालांकि उनका बातों का कोई प्रूफ नहीं है कि वो बता रहे, उनके मजहब में से निकाल के नहीं बता सकते। इस्लाम की सारी अच्छी बातें अपने मजहब में लगा के बता रहे, और हमारे सारे जितने दुनिया के अंदर गैर मुस्लिम है वो लोग उनको मान रहे, फॉलो कर रहे और उनके मुतखद बने हुए हैं। और वो जो हमारे इस्लाम का जो तरीका था अमीर बनाने का और बैत करके उससे फायदा हासिल करने का, हमारे गैर मुस्लिम उससे फायदा उठा रहे, और हम लोगों ने ये तरीका छोड़ दिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दिया। हुजूर सल्लम ने फरमाया कि आखिरी दौर में एक सुन्नत को जिंदा करना चाहिए, जब सुन्नतें नहीं रहती उस जमाने में एक सुन्नत को जिंदा करने का बहुत बड़ा सवाब है। तो ये जो हमारा अमीर बनाने का सिलसिला भी ये एक सुन्नत है, उसको बरकरार रखें। हम आज देखते कि हमारे मुसलमानों में जो भी जमातों के अंदर लोग जाते, तबलीग जमात है या कोई भी जमात है, अटैच होते, उसके साथ घूमते फिरते रहते, खाते पीते, उसके साथ अटैच क्यों रहते? असल में उनको उसमें जो थोड़ा सा एक ग्लिम्स मिलता है, एक झलक मिलती एक अमीर की इत्तबा करने की। हर जमात में कोई ना कोई बड़ा सरबरा रहता है जिसकी लोग इत्तबा करते, हालांकि उसके ऊपर बैत नहीं है। मुसलमान हमारे तबलीग वाले तबलीग के अमीर पे बैत नहीं है, मगर उसको अमीर बोलते हैं और उसके साथ उसकी बात मानते हैं। एक नफसियाती उनकी भूख उसके साथ अटैच है, इसके लिए उसके साथ रहते। इसलिए भी हमारे भी चाहिए कि मुसलमानों ने अपने हर महल्ले में, हर मस्जिद में एक अमीर बना के रहना चाहिए, ताकि उससे अच्छी बातें हासिल करें, सीखे, और हमारा दिल जो है ना नमाज में वसवसों से बहके नहीं। ये भी है, और बहुत सारी बातें हैं। पुल सिरात है जो कयामत के ताल्लुक से बताया कि वो कयामत की जो बातों में बहुत ज्यादा है कि पुल सिरात है कि एक पुल ऐसा होगा जो तलवार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बारीक होगा, उस पे से गुजरना पड़ेगा। जो सही मुसलमान रहेंगे वो उस पे से गुजर जाएंगे, उधर पास इधर पहुंच जाएंगे, जन्नत में पहुंच जाएंगे, और जो जिनका ईमान नहीं होगा वो कट के नीचे दोजख में गिर जाएंगे। साया, भूत, चुड़ैल, ये सारी चीजें जो है इंसान का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ये सब जिन रहते, शैतान रहते, और इंसान का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने कह दिया कि तुमको जो है ना शैतान नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब अल्लाह ने कह दिया तो 100% कह दिया, डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस अल्लाह ताला जब तक नहीं चाहता तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बस दिल में ये बात रखना चाहिए, जब भी चिड़ियल और भूत और साया और ऐसी चीजों का दिल में ख्याल पैदा हो गया है, ये बात याद रखना चाहिए कि अल्लाह अगर नहीं चाहता तो मेरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपको किसी किस्म का शैतान, भूत, चुड़ियल, साया नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि भाग जाएगा जब आपके दिल में ख्याल आ जाए। जो आमिल और बाबा लोग हैं वो लोग जो है असल में शैतान के जो है ना कारिंदे हैं, शैतान के जो एजेंट है। शैतान क्या करता कि लोगों के दिल में सवाल, ये ख्याल पैदा करता, जैसा आपको बताया मैंने, वसवसे पैदा करता। ये बताता कि मेरे को धंधे में नुकसान हो रहा है, मेरे बच्चों के अंदर बीमारी पैदा हो रही, घर में ऐसा हो रहा, मेरे ये हो रहा, अब क्या करें, बाबा के पास जाओ, ये बाबा के पास जा ऐसी बात दिल में पैदा कर देता वसवसा। फिर वो आदमी बाबा के पास जाता, फिर बाबा उसको ताबीज दे देता, फिर उसका वो जो परेशानी है दूर हो जाती, शैतान थोड़ी सी परेशानी हटा देता है, धंधे पानी में जो कस्टमर नहीं आ रहे दुकान पे आना शुरू हो जाते, उसके दिल में एतिखाद हो जाती बाबा के तावीज में असर है। असल में शैतान उसको बहका रहा, सही जगह से हटा के गलत रास्ते पे लगा रहा, ये है बाबा का। और दूसरा, बाबाओं को मैंने बताया कि जितने बाबा लोग बैठे हुए मार्केट के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो अमलियात करने वाले जो लोग बैठे हैं वो असल में गुंडों के एजेंट है। उनके पूरे दुनिया में गुंडों का नेटवर्क है और उनका कार्टेल है, एक नेटवर्क है, और वो नेटवर्क गुंडों के जरिए से काम कराते, और अपने वो क्या बोलते हैं कि हमने जो मौकिल के जरिए से काम कराया है, हमने जिन जिन के जरिए से काम कराया, जिन के जरिए से काम नहीं कराते, बल्कि वो अपने आजकल मोबाइल फोन के जरिए से अपने कारिंदे से कॉन्टेक्ट कर ले। जैसा आपको किसी शहर में, सिटी में कुछ किसी का काम करना है, किसी को कुछ
कर देना है। आप किसी बाबा को जाके बोलते कि मेरा ये काम है, फलां को ये करना है, वो अपने बंदे तुमको ये बोलेगा कि मैं जिन से काम करा रहा, इतने पैसे लाओ, मैं जिन मेरे पास जिन है कंट्रोल में, मैं जिन को बोल के करा दूंगा, और आपसे पैसे लेके वो आदमी का काम करा देगा फोन करके, और आपको बोलेगा कि मैं जिन से कराया। तो उनके जो एडवर्टाइज देखो पेपर में, हम 8 घंटे में काम कर देंगे, 11 घंटे में काम कर देंगे, 20 घंटे में काम पक्का कर देंगे। ये असल में ये गुंडों के एजेंट है, गुंडे हैं जो बाबा बन के बैठे हुए, इनके भरोसे इनके झांसे में नहीं आना चाहिए। और कुरान शरीफ के अंदर मैंने बताया, हारून का जिक्र है, बलम बिन बाऊर का जिक्र है, हारूत मारूत का जिक्र है, और जुलखरनैन का जिक्र है, याजूज माजूज का जिक्र है, दज्जाल का जिक्र है, हा? और जो हमारे दुश्मनान इस्लाम जो है अंडर कवर काम करते, अंडर कवर एजेंट है, पूरी दुनिया में जो है हमारे दुश्मनान इस्लाम जो इनसाइड जॉब करते रहते, अंडर कवर एजेंट रहते, मुसलमानों को फंसाने के लिए वेबसाइट बनाई हुई है उन्होंने, इस्लामी नाम रखे हुए है और इस्लाम के नाम पर वेबसाइट बना के मुसलमानों को फंसाते, वो सब अंडर कवर एजेंट है हमारे दुश्मनान इस्लाम के मुल्कों के। और उनके ऊपर उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमको उससे बचना चाहिए, फहाशी से बचना चाहिए और नशे से बचना चाहिए। हमारे में जो तलाक़ें बहुत ज़्यादा आ रही, वो तलाक़ें गुर्बत और नशा और फहाशी की वजह से है, ये सारे हमारे दुश्मनान की चाल, ये समझ जाना चाहिए। और हम में जो है हर किस्म के लोग, अच्छे बुरे हर किस्म के लोग रहते हैं, और उनसे हमको जो है फिरासत से काम लेना चाहिए, फिरासत से देख के काम करना चाहिए। मैंने जैसा बताया कि मुसलमानों की जो है इस्लामी मुख्तसर तारीख भी मैंने बताया, फलस्तीन के मसले के बारे में मैंने बता दिया कि बादशाहों ने जो है ना, मुसलमान बादशाहों ने जो दीन में इस्लाम, मुसलमानों की जो बादशाह दुनिया में कायम रही, वो असल में इस्लाम की बादशाहत नहीं थी, सिर्फ मुसलमानों की थी, जो जिन्होंने खिलाफत राशिदा कायम करने के बाद बादशाहत कायम की। वो बादशाहों ने भी मुसलमानों को गरीब रखा, और उनके ज़माने में भी मुसलमान जो है परेशान रहे, इसलिए दीन नहीं फैला, और ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया, और खुल इबाद की पामाली का बात बता दिया मैंने, और अपने हमने अपने वालिदैन की खिदमत करना चाहिए, कुरान शरीफ में इसका बहुत ज़्यादा जिक्र है, और कुरान हदीस पढ़ना चाहिए, और इंशाल्लाह जो भी बात याद आएंगी अगले चैप्टर में बताऊंगा। ये तो अपना आखिरी चैप्टर रहेगा समझो इस सीरीज का, अगर कोई बात होगी तो मैं इस चैनल पे डालूंगा। और इस्लामी ताल्लुक से मेरा सिर्फ मकसद ये था कि आपके अंदर इस्लाम का जज्बा पैदा हो, इस्लामी तालीम हासिल करने का जज्बा पैदा हो। इंटरनेट के ऊपर बहुत सी किताबें मौजूद हैं, उस पर आप पढ़ सकते, इस्लाम की अच्छे से अच्छे आलिमों की पढ़ सकते, और जितने भी फ़िरके हैं मुसलमानों के, जितने फ़िरके हैं वो फ़िरकों से बचना चाहिए, कि तो एक भी फ़िरका मुसलमानों का सही और हक पे नहीं है, फ़िरका इस्लाम में है ही नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि एक भी फ़िरका हक पे नहीं है, कि इस्लाम में फ़िरकों को कोई रिकॉग्निशन ही नहीं, इस्लाम अल्लाह और रसूल फ़िरकों को रिकॉग्नाइज नहीं करते। हम अगर किसी भी फ़िरके में इस्लाम के होंगे तो समझना सही नहीं है, किसी भी फ़िरके में सही नहीं, अगर हमारे लाखों हज़ारों फ़िरके भी होंगे तो हम किसी भी फ़िरके में होंगे तो हम सही सही फ़िरके में नहीं है, ये बात ध्यान रखो। हम ये हमारे जो जितने फ़िरके हैं ये बात मुसलमानों के दिल में बात पैदा कर देते कि हम जो है वो फ़िरके में हैं जो जन्नत में जाने वाले हैं, बाकी के फ़िरके जो है वो दोज़ख़ की फ़िरके हैं। हदीस बताते हैं, हुज़ूर सल्लम की जो 73 फ़िरके वाली हदीस है वो बता के बोलते हैं कि ये बाकी के फ़िरके गुमराह फ़िरके हैं और हम रास्त फ़िरके हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी फ़िरका रास्त और जन्नत में जाने वाला फ़िरका नहीं है, सिर्फ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है कि वो फ़िरका जिस पे मैं हूँ और मेरे सहाबा है वो ही जन्नती है, और वो मैं हूँ और मेरे सहाबा है वाला फ़िरका वही है जो सिर्फ कुरान को मानता और हदीस को मानता, कुरान और हदीस यानी अल्लाह की किताब और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, दो ही बातें मानने वाला जो फ़िरका है वही सही फ़िरका है। अब आप देख लो पूरी दुनिया के मुसलमानों में जितने भी फ़िरके हैं उसमें से कौन सा फ़िरका है जो सिर्फ कुरान को मानता है, उसके अलावा कोई किताब को नहीं मानता, किसी किस्म किताब नहीं, किसी किस्म के मौलाना का बयान नहीं, किसी कुछ नहीं, तो जो कुरान में लिखा हुआ है वही मानता, और हुजूर सल्लम की जो सुन्नत है, जो हदीसें हैं, जो भी जितनी भी किताबें हदीस की जो सही मानी जाती उसके ऊपर 100% अमल करने वाला कौन सा है, आपको एक भी नहीं मिलेगा। और जो आपको अगर सही भी जन्नती फ़िरका बनना है तो दो ही बातें मानना पड़ेंगी, कुरान को माने और हदीस को माने, बस उसकी कोई किस्म की तावील नहीं होना चाहिए, ना कुरान की आयत की तावील होना चाहिए, ना हदीस की किसी जुमले की तावील होना चाहिए, नहीं, जो जैसा है फेस वैल्यू पे मानना चाहिए, जो जैसा दिख रहा है वैसा ही साम, ऐसा मानने वाला कौन सा फिरका है। तो अब आपको अगर नाजी फिरका बनना है, जन्नत में जाने वाला बनना है, तो सिर्फ दो ही बातें मानना है, अल्लाह ताला ने हम दीन को बहुत आसान किया है, बहुत आसान हमारे लिए बनाया, दो ही बातें हैं, कुरान और हदीस को मानना है, कुरान और हुजूर की सुन्नत, हदीस भी नहीं बोल रहा मैं, हुजूर की, हुजूर सल्लम की सुन्नत,
हुजूर साहब सुन्नत में उनके हदीसे दाखिल है, जो भी ऑथेंटिक हदीसे हैं। मुसलमानों ने, मुहदिसीन ने बहुत मेहनत करके आज से 1000 साल पहले बहुत मेहनत की और हुजूर की पूरी हदीसे जमा की हुई है, ऑथेंटिक की हुई है। और हुजूर की हदीसों के बारे में आपको कुछ शक दिल में नहीं रखना चाहिए। सारी हदीसे जो किताब में मौजूद है और जिनको ऑथेंटिक मानते हैं वो सब ऑथेंटिक ही है। उस पर अमल करना कोई मुश्किल काम नहीं है और कुरान शरीफ के ऊपर अमल करना चाहिए। कुरान शरीफ खुद पढ़ना चाहिए, ट्रांसलेशन से पढ़ना चाहिए, खुद पढ़ना चाहिए। ट्रांसलेशन से पढ़ो और उस पर अमल करो, हदीस पढ़ो उस पर अमल करो। और बाकी किसी किस्म की बात, किसी भी फिरके की बात मानेंगे, किसी भी आलिम दीन को मानेंगे आप, तो समझ लेना हमारे सारे फिरकों के अंदर दुश्मनों के एजेंट मौजूद है। दुश्मनों के एजेंट, तो दुश्मन हमारे दुश्मनान इस्लाम ने अपने एजेंट उसमें लगा दिए हुए हैं और एजेंट वो सब काम कर रहे हैं। हमारे जो हमारा जो सही फिरका वो है जो सिर्फ कुरान और हदीस को मानता। और आपको एक बात बता दूं, हमारे हमारे दुश्मनान ने हमारे तमाम फिरकों में अपने एजेंट लगा दिए। अब आप कैसे पहचानेंगे कि हमारे क्यों कौन से फिरके में एजेंट है और कौन से फिरके में एजेंट नहीं है? तो आपको एक सिंपल मैंने रूल बता दिया, फार्मूला, कि आप वो देखें कि हमारे जो दुश्मनान इस्लाम है पूरी दुनिया के, हमारे किस फिरके को बुरा समझते। जिस फिरके को हमारे दुश्मनान इस्लाम बुरा समझते, समझना उसके अंदर उसका एजेंट नहीं है। अगर उसका उसमें एजेंट होता तो वो बुरा नहीं समझते थे। हमारे किस फिरके को हमारे पूरा दुनिया के दुश्मनान इस्लाम बुरा समझते हैं, वो फिरका समझना सही रास्ते पे है और वो सही दीन पे है और सही उस पर चल रहा है। तो कम से कम ये कोशिश करना चाहिए कुरान हदीस पे अमल करें। और इंशाल्लाह अभी कोई बात होगी तो फिर मैं आपको अगले इसमें बताऊंगा, नहीं तो ये चैप्टर हमारा इस्लामिक क्रैश कोर्स का आखिरी सबक होगा। और उसके अलावा इसके बाद अगर कोई वीडियो डालूंगा तो किसी दूसरे से होंगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू।